हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए आज हम बनाते हैं बाजरे का चूरमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी बाजरे का आटा ले लिया है। कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लेंगे, जिस कटोरी से आप आटा लेंगे उसी कटोरी से आप गुड़ ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और ये हल्का गुनगुना मैंने पानी ले लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका डो रेडी कर लूंगी। धीरे धीरे पानी डालेंगे और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसका डो रेडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सर्दियों में बाजरा बहुत ही फ़ायदा करता है। बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, उसी तरह अगर ये आप चूरमा बनाएंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा अपनी बॉडी को। तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए डो रेडी है और मैं इसको अच्छे से अब 2 से 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से इस तरीके से लोज दूंगी, जिससे कि मेरी रोटी में क्रैक्स ना आए। 2 तरीके से आप बना सकते हैं ये बाजरे का चूरमा। एक तो आप रोटी बनाकर बना सकते हैं और आप मुट्ठियाँ बनाकर इसे ओवन में भी सेक सकते हैं। मैं आज आपको बिना ओवन के बनाऊंगी रोटियों से किस तरीके से इसका चूरमा बनाया जाता है। तो देखिए आटा एकदम रेडी है। अब इसको अपन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए आटा सेट हो गया है। अब इसकी मैं लोई तोड़ लूँगी, अच्छे से बॉल बना लेंगे इसकी। तो देखिए बॉल बनकर एकदम रेडी है। थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी मैं। और इसको हल्के हाथों से बेल लूंगी। इस तरीके से इसको बेल लेंगे साइड्स को प्रेस करते हुए। तो देखिए रोटी बिल्कुल एकदम रेडी है। तवा गर्म हो गया है, मैं अब रोटी डाल रही हूँ तवे पर। इसी तरीके से अपन सारी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए रोटी एकदम रेडी है। अब इसको अपन नीचे सेक लेंगे तवा हटाकर। तो देखिए रोटी एकदम सिक गई है। तो देखिए रोटी हल्की ठंडी हो गई है। अब इसके अपन छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और इसको एक मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना देंगे इसका। ध्यान रहे गरम को अपन को नहीं पीसना है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही रोटी को पीसना है। यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अपन ने 2 कटोरी बाजरे का आटा लिया था। जिस कटोरी से मैंने 2 कटोरी बाजरे का आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी गुड़ ले लिया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे कि बहुत अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाए। अब मैं गुड़ डाल दूंगी इसमें। अपन को गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दूंगी जिससे कि गुड़ जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैंने जो स्टार्टिंग में घी डाला था वो घी ऐड ना करके आप पानी भी डाल सकते हैं। पानी फिर आप 3 चम्मच पानी ले लीजिए अगर 1 कटोरी गुड़ है तो। ये देखिए गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसमें जो अपन ने ये बाजरा पीस कर रखा था ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। इस तरीके से इसको चारों तरफ से मिक्स करना है। ध्यान रहे जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए अपन को गैस का फ्लेम ऑफ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है गुड़ को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आइए अपन इसको अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बन करके एकदम रेडी है, मैंने इसको सर्व कर दिया है। मैं बादाम की कतरन से इसको गार्निश कर रही हूँ।
आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए एंजॉय, बाय, थैंक यू।